ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं निलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुवेश्य कृपा सिंधुव्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरे कृष्ण। वेर आर अदर डिवोटीज? सम डिवोटीज आर मिसिंग इन द क्लास। हरे कृष्ण। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह चित्रकेतु महाराज को अज्ञान की अविद्या से ऊपर उठाने के लिए नारद मुनि ने स्पेशल बहुत विशेष कृपा किया। हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह नारद मुनि ने टॉप ऑफ रिचार्ज करवाया उनके बेटे का। शायद विश्व का ब्रह्मांड का पहला इस तरह का लाइफ टॉप ऑफ रिचार्ज शायद पहले कभी भी नहीं हुआ होगा। और जब चित्रकेतु उनकी पत्नी और जितने सारे बाकी सारे पत्नियां सब कोई जब वो छोटा बालक से आध्यात्म की विषय में सुने तो उनका सारा अंधकार उनका सारा मोह दूर हो गया। फिर चित्रकेतु उनकी पत्नी उस बालक की दाह संस्कार किए और उनकी बाकी पत्नियां जो विष पिलाई थी वो भी उस बालक के आध्यात्म की चर्चा के सुन के संपूर्ण रूप से शुद्ध हो गए। ये शक्ति है। हम सब कभी कभी क्लास में आते हैं कभी कभी क्लास में नहीं आते हैं, पर हमको समझना चाहिए कि अगर हमको भगवान की भक्ति में प्रेरणा बनाए रखना है इस भौतिक जगत में श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण के माध्यम से चित्रकेतु महाराज उनकी सारे पत्नियां मोह के अंधकार उनका दूर चला गया केवल श्रवण के माध्यम से। और आप सब अगर तीव्रता से भक्ति करना चाहते हैं तो ये श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी उसको उल्लेख करते हैं। भक्त लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को पूछे कि भक्ति में प्रगति कैसे किया जाए और श्री चैतन्य महाप्रभु बताए भजनेरे मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण तीते धरे महाशक्ति। ये जो नवविधा भक्ति है श्रवण कीर्तन पाद सेवन स्मरण दास्यम अर्चम वंदनम ये नौ प्रकार की जो भक्ति है नौ अंग की भक्ति है ये हमारी भक्ति को बढ़ाने में सहायक बनता है
भगवान के प्रति प्रेम जागृत करता है। पर तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पावे प्रेम थान। पर ये सारे नवविधा भक्ति में श्रवण और कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। और अगर हमको कीर्तन बनाए रखना है, अगर हमको भगवान की भक्ति करते रहना है, तो श्रवण बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी भक्त श्रवण, हरि कथा की श्रवण को अपने जीवन में प्राधान्य नहीं देता है, जल्द ही उसकी आध्यात्मिक जीवन का पतन होगा। If one is not serious in hearing the pastimes of Lord, इसलिए हमारा हर हफ्ते ये श्रीमद् भागवत की कथा होता है। और हम अगर अच्छे से भक्ति करना चाहते हैं, तीव्रता से भक्ति करना चाहते हैं, इस भौतिक संसार की कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त करके भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो हमको ये जो श्रीमद् भागवत की कक्षा है, इसको बहुत तीव्रता से, बहुत महत्वपूर्ण, अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानना पड़ेगा। एंड नॉट जस्ट ओके ठीक है, प्रभु जी स्पीक्स, प्रभु जी तो हर समय यही चीज बोलते हैं, तो क्या ठीक है। तो हमको अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी अगर श्रवण को प्राधान्य नहीं देता है, तो भक्ति उसका इस तीन गुणों के प्रभाव से हमारा भक्ति करने का प्रेरणा जल्द ही घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, और आपको पता नहीं चलेगा कब बिल्कुल ही भक्ति नहीं रहेगा आपके जीवन में। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप सब ये श्रीमद् भागवत की जो कक्षा है, इसको महत्व, एक जीवन का एक गुरुत्वपूर्ण हिस्सा माने। और ऐसे नहीं कि ठीक है प्रभु जी क्लास दे रहे हैं, वीडियो बंद कर दो, किसी तरह सुन लो, और सामने विथ नोट्स अगर आप ये केवल एक घंटा डेढ़ घंटा जो भी हफ्ते में इसको आप बारीकी से श्रद्धा पूर्वक करेंगे, माया देवी आपको कुछ भी नहीं कर सकती है। श्रवण इतना महत्वपूर्ण है। तो मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि आप सब ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवत की श्रवण कीजिए और उसके लिए तैयार रहिए। नॉट दैट ठीक है प्रभु जी का क्लास है, किस तरह मैं ज्वाइन कर लूं, विथ वीडियो ऑन आई एम देयर। क्योंकि हमको भी प्रेरणा मिलेगा जब हम आपको देखेंगे, वैष्णव के दर्शन से पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो सकता है। और दिस इज द डिसिप्लिन दैट वी हैव टू एंश्योर टू परफॉर्म भक्ति टू कृष्ण। और इतना शक्तिशाली है ये कि ये भगवान का भक्ति इतना शक्तिशाली है कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भ्रूण हत्या या फिर कोई छोटे बालक की हत्या सबसे जघन्य पाप होता है। इस दुनिया में उससे बढ़कर कोई जघन्य पाप नहीं है अगर कोई बालक का हत्या करता है, और वो भी जो माँ है। हालांकि कृतद्विति उनकी माँ थी, पर बाकी सब तो माँ ही कहलाएंगे ना।
सब माओं ने, सब माँ जो माँ के संज्ञा में आते हैं, सारे माताओं ने मिल के ये षड्यंत्र किया था वो छोटा बालक को मारने का, विष पिला के। तो हमको समझना चाहिए कि इतना बड़ा जघन्य पाप केवल कुछ समय की श्रवण से उनका धुल गया। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये श्रीमद् भागवत श्रवण। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हम जब भक्ति का प्रचार कर रहे हैं इधर विदेश में, तो हम विदेश में आने के बाद हमको लगा कि विदेश में इतना भ्रूण हत्या होता है, बालकों की हत्या होती है, अत्याचार होता है, पर अगर कोई श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है और हरि नाम का कीर्तन करता है, तुरंत अति शीघ्र ये सारे जघन्य पाप से धुल सकता है। तो इस तरह श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। उसके बाद सारे अंत्येष्टि क्रिया होने के बाद नारद मुनि चित्रकेतु महाराज को एक विशेष मंत्र जाप करने का आदेश दिए। ये मंत्र नारद मुनि बताए कुछ ही दिनों में आपको भगवान का दर्शन दिलवाएगा। और ये बता के नारद मुनि और अंगिरा मुनि अदृश्य हो गए। और चित्रकेतु महाराज 7 दिन तक बिना कुछ खाए केवल जल ग्रहण करके इस मंत्र को उच्चारण करने लगे। और क्या होगा 7 दिन के बाद, वो है हमारा पहला श्लोक आज का। तो ये है 6th skand 16th adhyay 28th श्लोक 6:16:28। तत स सप्तरात्रांते, यस एनीवन, तत स सप्तरात्रांते विद्याया धार्यमाणया, विद्याया धार्यमाणया विद्याधराधिपत्यं च, विद्याधराधिपत्यं लेभे प्रतिहतं नृप, लेभे प्रतिहतं नृप। यस, पढ़िए। राजा परीक्षित, अपने गुरु से प्राप्त मंत्र को केवल 7 दिनों तक अभ्यास करने पर राजा चित्रकेतु को ज्ञान में उसकी आध्यात्मिक उन्नति के मध्यवर्ती फल के रूप में विद्याधर लोक का आधिपत्य प्राप्त हुआ। यस, तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यदि दीक्षा प्राप्त करने के बाद कोई भक्त अपने गुरु के उपदेशों का कठोरता से पालन करता है तो उसे विद्याधर अधिपत्यम का भौतिक ऐश्वर्य एवं अन्य पद स्वभाव्य की उपरिणाम के रूप में प्राप्त होते हैं। भक्त को सफलता प्राप्त करने हेतु योग कर्म या ज्ञान की साधना नहीं करनी होती, अकेली भगवत भक्ति ही उसे समस्त भौतिक शक्ति प्रदान करने के लिए समर्थ है। किंतु शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक शक्ति के प्रति आसक्त नहीं होता, यद्यपि वो उसे बिना प्रयास के सुगमता से प्राप्त हो जाती है। चित्र केतु को श्री नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार भक्ति में तत्परता से अग्रसर होने से यह अतिरिक्त लाभ हो सकता है। तो हम देखते हैं कि इधर चित्रकेतु महाराज को केवल 7 दिन में विद्याधर लोक प्राप्त हो गया है। और ये मंत्र उच्चारण का एक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट रिजल्ट, ये संपूर्ण रिजल्ट नहीं था, संपूर्ण फल नहीं था, ये एक बस इंटरमीडिएट बाय प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा चीज मिल गया।
सबको विद्याधर लोक के बारे में पता नहीं, इसीलिए ठीक है विद्याधर लोक मिल गया। विद्याधर लोक में आपको वीजा की आवश्यकता नहीं है। हर कोई जो भी पैदा होता है विद्याधर लोक में, हर कोई उड़ सकता है। नो इंडिगो, स्पाइस जेट, कुछ जरूरत नहीं है। इमिग्रेशन, कस्टम, कुछ जरूरत नहीं है। हर कोई उड़ता है। एंड नो जेट लैग, ये विद्याधर लोक है। और विद्याधर लोक की महिलाएं, विद्याधर की लोक की महिलाओं के सामने इस पृथ्वी की मिस यूनिवर्स एक छोटा सा गंदा सा कॉकरोच की तरह दिखेगी। कॉकरोच को क्या बोलते हैं मैं भूल गया हूँ हिंदी में, बट आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये विद्याधर लोक की महिलाएं हैं, उनकी सुंदरता। और जब विद्याधर लोक में लोग गाते हैं अत्यंत सुरीली आवाज, तो भगवान की मंत्र उच्चारण करने से भगवान एक भक्त को अत्यंत भौतिक सुख प्रदान करते हैं। क्यों? ताकि आध्यात्मिक जीवन में वो भक्त शांति से भक्ति कर पाए। अगर भौतिक जीवन में अत्यंत परेशानी है तो आध्यात्मिक जीवन में भी परेशानियां आती है, क्योंकि हम सब अभी तक पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए हैं। तो भौतिक जीवन भी हमारे आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करता है। तो भगवान हमारे आध्यात्मिक जीवन की सहायक बनते हुए एक भक्त को भौतिक सुख प्रदान करते हैं, ताकि भौतिक जीवन के प्रति उसको ज़्यादा चिंता करना नहीं पड़े। भगवद गीता में भगवान बताते हैं अर्जुन को कि जो योग सिद्ध प्राप्त नहीं करता है एक जीवन में, उसको अगले जीवन में भगवान बताते हैं, सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते, छठे अध्याय में। तो जो योग भ्रष्ट हो जाता है, जो योग सिद्धि इस जीवन में भगवत धाम नहीं जा पाता है, योग च्युत हो जाता है, अर्जुन को भगवान बताते हैं कि उसको मैं एक धनी परिवार में पैदा करवाता हूं, ताकि उसकी भौतिक जीवन के लिए उसको ज्यादा चिंता करना नहीं पड़ेगा और वो शांति से आध्यात्मिक जीवन को पालन कर सकता है। पर समस्या यह है कि भौतिक सुख प्राप्त करने के बाद आध्यात्मिकता को व्यक्ति आसानी से भूल जाता है। यह भौतिक सुख जो मिलता है, भौतिक आराम और शांति जो मिलता है, भगवान प्रदान करते हैं ताकि उनका भक्त शांति से भक्ति कर सके। पर भक्त भौतिक सुख प्राप्त करके भगवान को कभी कभी भूल जाता है और कभी कभी अहंकारी भी हो जाता है। तो आप सब अपने जीवन में देखेंगे कि भगवान की भक्ति करने से पहले हमारा मन इतना विचलित रहता था, अशांत रहता था, एक एक परिस्थिति हमको कभी कभी इतना विचलित कर देता था कि रात में नींद नहीं आता था। और हम देखते हैं भक्तों को अच्छे से नींद आता है। हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में जैसे ही ब्रह्मचारी का कोई भी चिंता नहीं, और जैसे ही आश्रम में गिर जाते हैं हर कोई खराटे मारने लग जाता है। जब
भगवान की भक्ति नहीं करते हुए जीवात्मा अत्यंत अशांत रहता है, पर भक्ति करने से पहला जो भगवान जीवात्मा को प्रदान करते हैं वो है शांति। पर कभी कभी जीवात्मा उस शांति को प्राप्त करके भगवान को भूल जाता है। अब तो सब कुछ जीवन में सही हो गया है, अब क्या है, सब कुछ तो आनंद से चल रहा है, तो भगवान उस भक्त के जीवन में तुरंत भौतिक उतार चढ़ाव लेके आते हैं, ताकि वो भक्त फिर से ध्यानपूर्वक भगवान का स्मरण करे। पर ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसको भौतिक सुख प्रदान करते हैं। भगवान के संस्पर्श में जो आता है तो भगवान के संस्पर्श में ना खाली आता है, भगवान की शक्तियों के संस्पर्श में भी आता है। जैसे मैं अगर प्रधानमंत्री के संस्पर्श में आऊंगा तो प्रधानमंत्री के घर के अंदर भी मेरे को जाने का मौका मिलेगा। करेक्ट, प्रधानमंत्री का घर प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री की शक्ति है, पर उस शक्ति के संस्पर्श में भी आने का मेरे को मौका मिलेगा। उसी तरह भगवान की संस्पर्श में जब हम आते हैं मंत्र उच्चारण करते हुए, हम भगवान की शक्तियों के संस्पर्श में भी आते हैं। और भगवान की दो शक्तियां हैं, एक आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों शक्तियों से संस्पर्श में हम आते हैं। पर एक भक्त को समझना चाहिए कि मंत्र उच्चारण से जो मेरे को भौतिक शांति प्राप्त हुई है, जो मेरे को ये भौतिक उन्नति प्राप्त हुई है, ये केवल भगवान की सहायक के लिए मेरे को भगवान ने दिया है। और इसको अगर मैं भगवान की भक्ति में नहीं लगाऊंगा तो भगवान ये सारे चीजों को भक्तों से छीन लेते हैं। चित्रकेतु महाराज को एक सुंदर सा विमान मिला जिसमें कोई फ्यूल रिचार्ज की आवश्यकता नहीं। सैकड़ों सैकड़ों विद्याधर पत्नियों के साथ, सुंदर सुंदर महिलाओं के साथ चित्रकेतु महाराज उस विमान में उड़ने लग गए, हरि का गुण गाते हुए। और फिर जब चित्रकेतु महाराज कुछ ही दिनों में ऐसे भ्रमण कर रहे थे, भगवान की गुणगान करते हुए सारे विद्याधरों की महिलाओं के साथ, एक दिन भगवान स्वयं संकर्षण चित्रकेतु महाराज को दर्शन दिए। और भगवान चित्रकेतु महाराज को दर्शन देके ये बता रहे हैं। तो ये है छठा स्कंद 16 अध्याय 50वां श्लोक। चित्रकेतु महाराज भगवान को दंडवत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना से प्रसन्न होके पहला जो श्लोक भगवान बता रहे हैं ये श्लोक है। श्री भगवान उवाच। यन्नारदाङ्गिरोभ्यां ते व्याहृतं मेऽनुशासनम् संसिदोऽसि तया राजन् विद्याया दर्शनात् च मे। Yes, translation. The Supreme Personality of God. Hindi? I think Preeti Mataji has Hindi. Yes. Preeti Mataji. Yes, Preeti. Yes, Mataji. Bhagwan Anant Dev ne
इस प्रकार उत्तर दिया, हे राजन, परम साधु नारद तथा अंगिरा द्वारा मेरे संबंध में दिए गए उपदेश को अंगीकार करने के फलस्वरूप तुम दिव्य ज्ञान से भली भांति अवगत हो चुके हो। आध्यात्मिक ज्ञान में शिक्षित होने के कारण अब तुमने मेरा साक्षात दर्शन किया है, अतः तुम अब पूर्णतया सिद्ध हो चुके हो। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच, यन्नारदा गिरोभ्याम ते व्याहृतम मे अनुशासनम। भगवान बताने लग गए कि हे चित्रकेतु, मैं तुमको मेरा दुर्लभ दर्शन दे रहा हूं। क्यों? इसलिए नहीं कि तुमने मंत्रोच्चारण किया, इसलिए नहीं कि तुमने बहुत तपस्या किया, इसलिए नहीं कि तुमने सब कुछ त्याग कर लिया, पुत्र की मोह को त्याग किया। मैं तुमको मेरा दुर्लभ दर्शन दे रहा हूं क्योंकि तुमने नारद मुनि की अनुशासन को प्राप्त किया, अनुशासन को अपने जीवन में लिया। यन नारदा गिरोभ्याम ते व्याहृतम ते अनुशासनम। शासनम मतलब डिसिप्लिन, अनुशासनम मतलब टू बी डिसिप्लिन्ड अंडर समवन। भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है भगवान की शुद्ध भक्तों के द्वारा। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तुमार सकती अच्छे। कृष्ण तुमार हैं, आपके हैं, कृष्ण को केवल आप ही दे सकते हैं। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। मैं तो एक भिकारी हूँ, कृष्ण को पुकारते पुकारते मैं आपके पीछे पीछे जा रहा हूँ, इस आशा से कि मेरे को एक दिन कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। कृष्ण को प्राप्त करने का केवल एक ही मात्र एकमात्र तरीका है कृष्ण की शुद्ध भक्तों की अनुशासन में आ जाना। अपनी भूख को त्याग करके तपस्या करना, समय को त्याग करके मंत्र उच्चारण करना, इस सारे तपस्याओं से सबसे बढ़कर जो तपस्या है हमारी अहंकार को त्याग करके गुरु की अनुशासन में आ जाना। शारीरिक तपस्या आसान हो सकता है, पर अहंकार की तपस्या, गुरु की शासन को पालन करते हुए अहंकार की तपस्या करना सबसे बड़ा तपस्या है। और भगवान चित्रकेतु महाराज को बताते हैं कि क्योंकि आपने नारद मुनि की बातों को, उपदेशों को, आदेश को अक्षर अक्षर पालन किया, और क्योंकि नारद मुनि मेरे शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए मैं आपको मेरा दुर्लभ दर्शन दे रहा हूं। श्रील रूप गोस्वामी एक छोटा सा 11 श्लोक का एक किताब लिखे हैं जिसका नाम है उपदेश अमृत, द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस उपदेश अमृत में एक श्लोक है जिसको रूप गोस्वामी बताते हैं ये सारे उपदेश के सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, ये 11 उपदेश में से ये सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, शायद 8वां या 7वां। ये श्लोक ऐसे जाता है, यन्नाम रूप चरिता दिसु कीर्ति नानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोच्य। यन नाम रूप चरितादि सुकीर्तिनानु, आप भगवान का नाम लीजिए,
भगवान की चरित्र की गुणगान सुनिए, सुकीर्तिनानु खुद कीर्तन कीजिए, स्मृत्यो क्रमेण मनसा नियोज्य, आप अपने मन को भगवान में नियोजित कीजिए। ये सब कुछ कर सकते हैं, पर ये सब कुछ करने के बावजूद अगर आपके हृदय में इच्छा है कि भगवान के वृंदावन धाम में वास करना है, तिष्ठम ब्रजे, ये सारा चीज आपको वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं दे सकता है। अगर तद अनुरागी जनानुगामी, अगर ये सबको करते हुए आप भगवान की अनुरागी भक्तों की अनुशासन अनुगामी नहीं बनते हैं। आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, आप दूसरों को बहुत बड़ा बड़ा भागवत कथा सुना सकते हैं, आप मन को भगवान में निवेश कर सकते हैं, पर भगवान आपको उनके धाम में प्रवेश करने का मौका देंगे जब आप भगवान की शुद्ध भक्तों की अनुगामी बनेंगे। तिष्ठम ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम भगवान की शुद्ध भक्तों की अनुगामी बने। श्रील प्रभुपाद गुरु परंपरा की अनुगामी बनते हुए ही हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए श्री वृंदावन धाम में कोई कृष्ण की उपासना नहीं करता। Everyone chants Radhe Radhe because only केवल श्रीमती राधा रानी की कृपा से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमती राधा रानी बाकी सब ब्रजवासी कृष्ण की अनुरागी भक्त हैं। जब हम उनकी कृपा का पात्र बनेंगे, उनकी अनुगामी बनेंगे, तब हम कृष्ण की कृपा प्राप्त करके वृंदावन धाम में प्रवेश करने का हमको मौका मिलेगा। कोई भी श्री वृंदावन धाम में कृष्ण की कृपा को उपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि कृष्ण की कृपा मिलना असंभव है। हर कोई वृंदावन धाम में श्रीमती राधा रानी की कृपा की उपेक्षा करता। करुणा करुमयी करुणा भरिते सनक सनातन व नित चरिते। हे श्रीमती राधा रानी, रूप गोस्वामी लिखते हैं कि आप मेरे को करुणा कीजिए, और जब आप मेरे को करुणा करेंगे तो जरूर कृष्ण की कृपा में प्राप्त करूंगा। तो शंकरषण चित्रकेतु महाराज को अपना दर्शन दिए, और दर्शन देके बताए कि क्यों उन्होंने दर्शन दिया, और फिर शंकरषण बताए कि हे चित्रकेतु, ये समग्र भौतिक संसार, ये समग्र भौतिक सुख और सुविधाएं केवल एक सपना की तरह है। मान लीजिए आज मधुर प्रभु आते हैं घर में, ऑफिस से, और ज्योति माता जी मधुर प्रभु बताते हैं कि ज्योति, मेरे को बहुत जोर से भूख लग रहा है और मैं बहुत टायर्ड हूँ। और ज्योति माता जी बोलती हैं कि टायर्ड है तो सो जाओ, और सपने में सोचो कि मैं तुमको खाना खिला रहा हूँ, दे रहा हूँ, और सपने में खाना खाने लग जाओ। तो दो चीज़ होगा, आपको
विश्राम मिलेगा, यू विल गेट रेस्ट, और आपको खाना भी मिल जाएगा सपने में। अगर कोई पत्नी ऐसे बोलती है कि आप सपने में खाना खाइए, तो क्या शरीर को पुष्टि मिलेगा? सपने में कितना सब कुछ हम करते हैं, पर जब सपना चला जाता है कुछ भी नहीं रहता है। जिस तरह सपने में कोई भी चीज हम करते हैं, हमारी शरीर को स्थूल शरीर को प्रभावित नहीं करता है, वो केवल सपना ही है। सपना का आनंद, सपना का दुख, सपना ही है। उसी तरह ये हरे कृष्ण, आवाज नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हरे कृष्ण, यस प्रभु जी, बहुत स्लो आवाज आ रही है। आई थिंक आपका समस्या है, बिकॉज इधर तो आई थिंक हियर ऑल सेटिंग्स, यस, बीच बीच में स्लो हो रहा है काफी ना। ओके ओके, हरे कृष्ण, नाउ आई थिंक ऑल द वॉल्यूम्स आर कंप्लीटली ऑन, फुल। हरे कृष्ण, तो हरे कृष्ण, आई थिंक मे बी इट इज क्लियर। तो ये समग्र भौतिक संसार, भौतिक सुख एक सपना की तरह है आत्मा के लिए। जिस तरह सपने में जो भी हम देखते हैं, करते हैं, हमारे शरीर को, हमारे स्थूल कुछ भी प्रभावित नहीं करता है, उसी तरह ये दुनिया का आनंद और दुख आत्मा को प्रभावित नहीं करता है। और संकर्षण भगवान बताए कि चित्रकेतु, इस भौतिक संसार एक सपना की तरह है, जल्द से जल्द इसको त्याग करो और मेरे धाम में वापस आ जाओ। चित्रकेतु महाराज सुने और संकर्षण ये बता के, उपदेश दे के अदृश्य हो गए, और चित्रकेतु महाराज दंडवत किए बस। और विमान में करोड़ों करोड़ों पत्नियों के साथ, और वो भी विद्याधर पत्नी, चित्रकेतु महाराज विमान में सैकड़ों सैकड़ों साल उड़ने लग गए हरी कथा करते हुए। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं करोड़ों करोड़ों साल तक, लाख साल तक विद्याधर लोक के आधिपत्य चित्रकेतु संभालते हुए बहुत सारी जगहों में भ्रमण करने लग गए हरि का गुणगान करते हुए। और संकर्षण भगवान को लगा ये मेरा भक्त अटक गया, स्टक। मैं उसको मेरा दर्शन दिया और ये विद्याधर पत्नियों के साथ फंस गया। देखिए, ये भौतिक आसक्ति और भौतिक आनंद का ये एक स्वाभाविक परिणति है। पुरुष और स्त्री की जो आकर्षण है हर समय, चित्रकेतु महाराज हरि का गुण गाते थे, पर क्योंकि वो सारे महिलाओं के साथ हरि का गुण गाते थे, उनके हृदय में एक तिनका का अहंकार जागृत हुआ कि मैं कितना महान हूं। हरे कृष्ण, इतने सारे महिलाओं के साथ भी मैं काम से प्रभावित नहीं हो रहा हूं। हरे कृष्ण, इतनी सारी भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद मैं हरि का स्मरण कर रहा हूं। हरे कृष्ण,
मेरे को स्वयं हरि संकर्षण दर्शन दिया, मैं कितना महान हूं। हालांकि ये जो अहंकार था बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा। सुखदेव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं बहुत ही छोटा था, पर संकर्षण भगवान को, संकर्षण भगवान अत्यंत चिंतित हो गए अपने भक्त को लेके। भगवान जब उनके भक्तों के हृदय में तिनका का अहंकार देखते हैं, भगवान अत्यंत चिंतित हो जाते हैं। और जल्द से जल्द भगवान चित्रकेतु महाराज को इस भौतिक संसार की सारी सुख सुविधा और कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए एक विशेष आयोजन बनाए। हरे कृष्ण। एक दिन सुबह सुबह चित्रकेतु महाराज अपनी सारी पत्नियों को लेके सुंदर सी विद्याधर विमान में उड़ते हुए कैलाश पहुंचे। हरे कृष्ण। कैलाश में सुबह की प्रातः भागवत कक्षा स्वयं शिव जी दे रहे थे, शंकर भगवान। हरे कृष्ण। और चित्रकेतु महाराज विमान में ऊपर से नीचे दर्शन किए कि शिव जी बहुत सारे सन्यासियों को कक्षा दे रहे हैं। बहुत सारे सन्यासी, नारद मुनि, व्यासदेव, बहुत सारे वैरागी साधु, सब कोई बैठे हुए हैं कक्षा में, और शिव जी कक्षा दे रहे हैं। और शिव जी अपना पद्मासन में बैठे हुए हैं और उनके जांघ के ऊपर पार्वती देवी बैठी हुई है, और शिव जी एक श्लोक उच्चारण कर रहे हैं और पार्वती देवी को थोड़ा आलिंगन कर रहे हैं, और फिर दूसरा श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, कुछ भागवत कथा कर रहे हैं, फिर पार्वती देवी को आलिंगन कर रही हैं, कर रहे हैं, जो पार्वती देवी उनके गोदी में बैठी हुई है। चित्रकेतु महाराज, हरे कृष्ण, चित्रकेतु महाराज के हृदय में अहंकार थोड़ा था, वो अपने आप को महान मानते थे, और जब देखे कि शिव जी इस तरह भागवत कक्षा दे रहे हैं, अपनी पत्नी को अपने जांघ के ऊपर बिठा के और आलिंगन करते हुए, चित्रकेतु महाराज शिव जी को परिहास और निंदा करने का दुस्साहस किया। चित्रकेतु क्रिटिसाइज्ड लॉर्ड शिवा। चित्रकेतु ने शिव जी का निंदा किया। शिव जी जो ये पूरा ब्रह्मांड के महादेव हैं, शिव जी जो स्वयं दुर्गा देवी, माया देवी की पति हैं, उनको चित्रकेतु महाराज उपहास किए। चित्रकेतु महाराज का हृदय में कोई खराब स्वभाव नहीं था। चित्रकेतु महाराज चिंतित थे कि अगर शिव जी ऐसा करेंगे, सारे सन्यासियों के सामने अपनी पत्नी को बिठा के आलिंगन करते हुए कक्षा करेंगे, आगे जाके शिव जी का उदाहरण दिख के हर कोई ऐसा करेगा, और बहुत सारे लोग शिव जी को निंदा करने लग जाएंगे, और दक्ष की तरह उनका परिणति होगा शिव जी का निंदा करते हुए। तो ये उचित नहीं हो रहा है, मेरे को सही करना चाहिए। चित्रकेतु महाराज अभी बोलने लग जाएंगे, और जैसे ही चित्रकेतु महाराज बोलेंगे ताकि पार्वती, शिव जी और जितने सारे सन्यासी बैठे हुए सुन पाए, शिव जी
कक्षा बंद कर देंगे फॉर टेम्पररी पीरियड। अभी चित्रकेतु उवाच, चित्रकेतु क्या बता रहे हैं अभी हम पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ये 17 नंबर अध्याय है, छठा स्कंद की 17 नंबर अध्याय की छठा श्लोक। चित्रकेतु उवाच, एस लोक गुरु साक्षात् धर्मं वक्ता शरीरिणां आस्ते मुख्य सभायां वै मिथुनी भूय भारया लोक गुरु साक्षात, ये गुरु है, सारे चराचर के इस तरह का गुरु है। गुरु को तो अपने आचार से शिक्षा देना चाहिए, इस तरह शिक्षा दे रहे हैं गुरु शिव जी। आहा, क्या शिक्षा दे रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, समझ रहे हैं, परिहास करते हुए। ऐसा गुरु, देखो देखो कितने अच्छे गुरु हैं, कितने अच्छे गुरु हैं, कैसे शिक्षा दे रहे हैं, देखो देखो। और देखिए, जब कोई महिलाओं के साथ होता है तो एक पुरुष का एक आदत रहता है कि कुछ परिहास करना, ताकि महिलाएं लोग हंसें। महिलाएं लोग हंसने में और रोने में माहिर होते हैं। हरे कृष्ण। और जब हंसते हैं तो बहुत अच्छे से हंसते हैं, और जब रोते हैं तो तुरंत रोने लग जाते हैं। कहाँ से वो अश्रु बहता है, व्हाट स्टॉक दे हैव, जस्ट इमीडिएटली दे क्राई एंड इमीडिएटली दे लाफ। और पुरुष को बहुत अच्छा लगता है कि महिलाओं को हंसाने का। और इतने सारे पत्नियों के साथ चित्रकेतु ने सोचा कि थोड़ा उनको भी हंसाया जाए, और सबको बोलने लगे, एस लोक गुरु साक्षात, देखो 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 कितना अच्छा गुरु है ना, चराचर गुरु, साक्षात गुरु है, धर्म वक्ता, और धर्म के बारे में वाणी भी दे रहे हैं। और अपनी पत्नी को बिठा के, ऐसा नहीं कि गृहस्थों को धर्म की वाणी नहीं दे सकते हैं, गृहस्थ गुरु नहीं बन सकते हैं, पर इस तरह का निर्लज अवस्था में कोई भागवत कक्षा करता है, और क्या परिणति होगा सारे लोक में अगर गुरु ऐसे करने लग गए तो। इस तरह का क्या गुरु है, क्या होगा पूरा समाज का, पूरा ब्रह्मांड का, अगर हर कोई ऐसे कक्षा देने लग गया अपनी पत्नी को गोदी में बिठा के। तो चित्रकेतु महाराज के हृदय में सारे ब्रह्मांड को लेके अत्यंत चिंता था, और वो परिहास करते हुए शिव जी का इस तरह उपवास किए और निंदाजनक इस तरह वार्ता किए। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि शिव जी जब सुने तो प्रहस्यम, थोड़ा थोड़ा हंसने लग गए और कुछ बताए नहीं। शिव जी को देखते हुए कुछ बताए नहीं, उनके सारे अनुयायी जो कक्षा सुन रहे थे वो भी मौन रहे। और हमारे आचार्य गण बताते हैं कि शिव जी प्रहस्यम क्यों हंस रहे थे, शिव जी सोच रहे थे कि चित्रकेतु आप भी कम नहीं हैं, मैं तो एक महिला को पकड़ के कक्षा दे रहा हूं, आप इतने सारे महिलाओं के साथ घूमते घूमते हरी कथा कर रहे हैं। पर शिव जी बताए कि अगर मैं भी परिहास करूंगा वो भी फिर परिहास करेंगे, पता नहीं कि ये सन्यासी लोग क्या सोचने लग जाएंगे, क्योंकि शिव जी भी संकर्षण के भक्त हैं और
चित्रकेतु भी संकर्षण के भक्त हैं, तो दोनों गुरु भाई हुए। तो भाइयों में ऐसे उपहास, ठट्टा मजाक, हंसी मजाक होता रहता है। और शिव जी ये समझ के भी सीमित थोड़ा सा हंसने लग गए कि अभी चित्रकेतु महाराज का इस भौतिक संसार से छुटकारा प्राप्त हो होंगे। भगवान की लीलाओं को समझ के शिव जी हंसने लग गए, चित्रकेतु महाराज का समय आ गया है भगवान की धाम में प्रवेश करने का। और ये दोनों चीज समझ के शिव जी शांत रहे, पर पार्वती देवी को अत्यंत क्रोधित हो गई। एक सती नारी का ये कर्तव्य है कि अपनी पत्नी का सम्मान को रखना। पत्नी कितना भी अपने पति को एकांत में ऊपर नीचे जो भी बोले, वो सब झगड़ा होता रहता है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, ये हैं, वो हैं, एकांत में सही है। पर एक सती नारी का कर्तव्य है कि अपने पति का सम्मान को रखना। और पार्वती देवी तो पतिव्रता शिरोमणि है। शिव जी का इतना पूरी तरह से असम्मान को देखते हुए पार्वती देवी अत्यंत क्रोधित हुई और चित्रकेतु महाराज को क्रोध पूर्वक कुछ बोलने लग गई। पार्वती देवी ने क्या बताया, चित्रकेतु महाराज ने क्या किया उसके बाद, और क्या आगे कथा होगा, इसको समझने के लिए, जानने के लिए आप जरूर अगले हफ्ते कक्षा में आइए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम इधर विराम देंगे। यस, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, जय निताय माताजी, वॉइस इज नॉट ऑडिबल। यस, नंदिता माताजी, यू आस्क, देन जय निताय माताजी। यस, आपने चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत से पता है ना, भजने मुक्त श्रेष्ठ नवोदिता भक्ति, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पावे प्रेम धन। That's the verse. Yes, जय निताय माताजी। Not audible. Your voice is not audible. Remove the headphone. Remove the headphone. Disconnect the headphone. Then it will be audible. Yes. Not audible now. हरे कृष्ण, और किसी का कोई प्रश्न है? बहुत सारे भक्त कक्षा में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि सब भक्तों को थोड़ा समाचार पहुंचाइए कि भागवत कक्षा महत्वपूर्ण है, नहीं तो हरे कृष्ण माया देवी देख रही है। एक्चुअली माया देवी के पास अटेंडेंस रजिस्टर रहता है, माया देवी अटेंडेंस लेती है भागवत कक्षा का, और जो जो नहीं है माया देवी अटेंडेंस लेके हरे कृष्ण सतर्क रहिए, और बाकी भक्तों को भी समाचार दीजिए सतर्क रहने के लिए। यस, हरे कृष्ण।
और कौन? हरे कृष्णा, यू आर देयर? जय निताय माता जी, आपका प्रश्न। ओके, मे बी यू आर, आवाज बहुत स्लो आ रही है, एकदम क्लियर सुनाई नहीं दे रही। मेरे को तो बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रहा है जय निताय माता जी का। तो मे बी आप पूछिए प्रश्न को बाद में पर्सनली। लेट अस एंड हियर। ओके, हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुवेश कृपा सिंधु गेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव।